हाय गाइस, वेलकम टू टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम। आज मैं आपको झारखंड एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 एग्जाम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे पोर्टल पर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सभी पैकेजेस अवेलेबल है, जैसे एग्जाम स्लेपर, कॉम्बो पैकेज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुक प्रिंटिंग मटेरियल। इसके साथ ही रिमोट टेस्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस भी दिए गए हैं, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुक या प्रिंटिंग मटेरियल, ई बुक, ई लर्निंग कोर्सेज, जिनकी हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसके साथ ये एग्जाम पैटर्न भी डिस्प्ले किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स की फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है। वैकेंसी से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। फुल इंफॉर्मेशन के लिए क्लिक फॉर मोर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। आपको यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट मिनिमम आपको 21 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर दी गई है। एप्लीकेशन फीस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा रिटर्न एग्जाम, सेकेंड स्टेप में इंटरव्यू, फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी भी डिटेल आपको यहाँ दी गई है, आप इसके लिए ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कॉम्बो पैकेज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। कॉम्बो पैकेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका अमाउंट भी दिया गया है। इसके साथ यदि आप रिमोट टेस्ट जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। रिमोट टेस्ट आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं फ्री टेस्ट पर क्लिक कीजिए। आइए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही उनके ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेमेस्टर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंगल दिखाई देगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं सेमेस्टर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रेगुलर दिखाई देगा। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, सेमेस्टर क्लिक करते जाइए। यदि आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं तो सबसे टेस्ट पर क्लिक कीजिए, पेपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट दिया गया है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो व्यू आंसर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने किए वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, जो क्वेश्चन आपने नहीं किए वो आपको ब्राउन कलर में दिखाई देंगे। यदि आप अपने एग्जाम पेज पे वापस जाना चाहते हैं तो व्यू मोर टेस्ट पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ही यदि आपको प्रिंटिंग मटेरियल जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। बुक्स की हेल्प आप एग्जाम प्रिपरेशन में ले सकते हैं, बुक्स के थ्रू आप इजीली एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बुक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हैं। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन या प्रैक्टिस या रिविजन के लिए तो बाय पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसका अमाउंट भी दिया गया है। इसके साथ यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में आप इसे देखना चाहते हैं फ्री क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको वन बाय वन क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में इनके ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप इसका करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो इसको आंसर पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर दिया गया है। ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन करते जाइए, इसको आंसर पे क्लिक करते जाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। यदि इस एग्जाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल toppersexam.com पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पोर्टल toppersexam.com से आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी पैकेजेस अवेलेबल है।
पैकेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, साथ ही में विजिट का लिंक भी अवेलेबल है। विजिट के लिंक से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।